विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वावधान में विश्व की सबसे लंबी देर तक चलने वाले विश्व रिकॉर्ड श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन कुंड का शिलान्यास पूजन का कार्यक्रम तारामंडल स्थित प्रताप सभागार ट्रस्ट क्षत्रिय भवन के प्रांगण में किया गया तथा विधि विधान से भूमि पूजन तथा हनुमान जी का ध्वज पताका फहरा करके शिलान्यास किया गया, जिसके संबंध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला मंत्री राधेश्याम चंद ने बताया कि एक बार 13 किलोमीटर 9 कुंटल व दूसरी बार 15 किलोमीटर लंबा 11 कुंटल वजन का तिरंगा फैलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने के पश्चात एक बार 27 घंटा लगातार, दूसरी बार 48 घंटा लगातार और इस बार 81 घंटा लगातार हवन करके सनातन धर्म व राष्ट्र धर्म पर समर्पित होने वाले साथियों तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बलिदानी के सम्मान में आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम गोरखपुर का मान पूरी दुनिया में एक बार फिर से बढ़ाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली श्री राम शौर्य कथा तथा पांचवी बार विश्व रिकॉर्ड बनने जा रही श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। दुनिया के इतिहास में तीसरी बार हवन का विश्व रिकॉर्ड बनने के साथ ही गोरखपुर का नाम विश्व इतिहास में रोशन होने के साथ ही पांचवा विश्व रिकॉर्ड होगा। इस अवसर पर डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी, सहायक अभियंता इंजीनियर योगेंद्र सिंह, इंजीनियर योगेंद्र सिंह, रामदेव सिंह, राधे श्याम चंद्र, वैद्य सुरेंद्र प्रसाद, दिलीप शाही, अभय सिंह चंदेल, इंद्रजीत सिंह, गोविंद तिवारी, विजय शंकर मिश्र, आदित्य दुबे, डॉक्टर सुधाकर श्रीवास्तव, चंचला शुक्ला, नर्मता श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सिंह, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के प्रबंधक सरदार जसपाल सिंह, एडवोकेट रणजय सिंह, एडवोकेट मनीष मिश्रा, व्यास बंधु सिंह, पंडित CPM त्रिपाठी, फरसा बाबा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला मंत्री राधेश्याम चंद्र ने कहा, बोलो जाओ भूमि नमः, भूमि नमः, पृथ्वी नमः, पृथ्वी नमः, पृथ्वी माँ वायामी स्थापया, भूमि के अंदर डालना है तो उनका छोड़ दे। जय हनुमान जी महाराज की जय, बोले हनुमंत लला की जय, जय सीताराम दरबार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान दरबार की जय, वृंदावन बिहार लाल की जय, बोले राधे कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, भगवान की जय, बोले महालक्ष्मी मैया की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव, ओम जय नित्यम हे संरजत गिरण वंचार चंद्रावतम समर्पणे कल्पो पुरुखाय वेदगम सर्वं दत भूतं जगदाभ्यं त्रिवस्त्रं प्रवस्तान्ते उपवस्तान्ते नमः रक्षा सूत्रं सौभाग्यधिकरणं माते पाचुपट्टी का लगवा दो तारी सुमनो हरं विलेपनं अच्छत अच्छत कुंडादि भगवान जीव का प्रभु नमः वंदनी मन कुंडादि देवता प्रभु नमः वंदनं भैया
सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त जत पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओम शांति 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 भवतु सर्वा आरिष्टा सुशांतिर भवतु। राधे श्याम चंद, जिला महामंत्री हूँ मैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का और मीडिया प्रभारी भी हूँ प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट का। यह प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट क्षत्रिय भवन पर ये तीसरा साल चल रहा है। 2021 में 27 घंटे की श्रीलक्ष्मी विष्णु महाहवन हुई थी और 2022 में 48 घंटे की श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन हुई थी। इस बार और आगे बढ़कर के 81 घंटे की श्री लक्ष्मी विष्णु महाहवन होनी है 29 दिसंबर से 2022 से 2 जनवरी 2023 तक। और उसी के हवन हेतु जो हवन कुंड है उसी का आज शिलान्यास हो रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। विश्व रिकॉर्ड कई बार बन चुका, ये भी विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए, अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए होगा। और यह वातावरण को शुद्धता के लिए, एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए, सबका लगाव रखने के लिए, जो हम लोगों के इष्ट देव हैं पूरे समाज के, पूरी धरती के, पूरे जीवों के, उनके आह्वान के लिए जो भी किया जाए वो अच्छी बात है। और जिन जिन कानों तक पहुँचेगा, जिस माध्यम से पहुँचेगा, ये बहुत अच्छी बात होगी। और विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ एक बड़ी ही शांति मिलेगी समाज को, जिस शांति की कमी है वो शांति इससे पूरी होगी। क्या उद्देश्य तो यही है कि हम अपने उस पर जो हम लोग विरत हो रहे हैं धर्म कार्य से या अध्यात्म से, उससे हम जुड़ेंगे। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं कुछ हो सकती है, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है बिना उनकी इच्छा के। तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक पत्ता नहीं हिलता है। आदमी कह लेता है कि हमने ये मारा वो मारा, लेकिन तब तो सब उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की प्रेरणा से हम कोई भी कार्य इस तरह का करते हैं, जो भी करते हैं उनकी प्रेरणा से करते हैं।